दोस्तों मैं कुणाल। असूस ने अपना ZenFone Max Pro लॉन्च कर दिया है Redmi Note 5 Pro को कंपटीशन देने के लिए। मैं कल असूस के इवेंट में गया था, मैंने पर्सनली फोन को यूज़ करा है। इसके अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 636 मिलता है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 509 GPU मिलता है। ये सेम प्रोसेसर हमें Redmi Note 5 Pro में भी देखने को मिल जाता है। दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है फिलहाल ये, 3GB RAM 32GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज। 6GB RAM वेरिएंट भी लॉन्च होगा बहुत जल्द, जिसका प्राइस होगा 15,000 रुपीस। फिलहाल 3GB RAM का प्राइस है 11,000 रुपीस और 4GB RAM वेरिएंट का प्राइस है 13,000 रुपीस। अगर बात करें इसके स्पेक्स की तो इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है और ये फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर रन करता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ आता है, लेकिन असूस ने हमें प्रॉमिस करा है कि नेक्स्ट 2 सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, यानी एंड्रॉयड पी और एंड्रॉयड क्यू का अपडेट इस फ़ोन में हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। 5000 mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है ZenFone Max Pro में और Redmi Note 5 Pro में 4000 mAh की बैटरी मिलती है। बट Asus ने क्लेम करा है कि 0-100% ZenFone Max Pro पहले चार्ज हो जाएगा। ये मैं पर्सनली एक बार चार्जिंग टेस्ट करके भी आपको बता दूंगा, बट एक चीज़ तो क्लियर है कि ZenFone Max Pro फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर ये इंक्लूड करते हैं या नहीं, वो देखना होगा हमें। फाइनली अब बात करें फोन की डायमेंशंस की, तो फ्रंट में हमें ऑलमोस्ट 6 इंच की फुल HD प्लस 18:9 एस्पेक्ट रेशो वाली डिस्प्ले मिलती है। साथ में टॉप में एक डेडिकेटेड LED फ्लैश मिल जाती है अलोंग विद सम सेंसर्स। बॉटम में हमें मिलता है 5 मैग्नेट स्पीकर विच इज प्रीटी लाउड, मैंने टेस्ट किया था, और साथ में Asus ने एक एम्पलीफायर एक्सेसरी भी इंक्लूड करी है बॉक्स के अंदर, जिसका नाम है मैक्स बॉक्स, जो 2x लाउडर म्यूजिक प्रोड्यूस करता है। साथ में हमें मिलता है माइक्रो USB पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा सिंकिंग, एक माइक्रोफोन और 3.5mm ऑडियो जैक। बैक में हमें मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, एक सॉफ्ट LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर। बॉडी की बात करें तो टॉप एंड बॉटम इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और जो बैक है वो मेटालिक है। राइट में हमें मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम कीज। लेफ्ट में मिलती है हमें एक सिम ट्रे जिसमें 3 स्लॉट्स हैं, दैट मींस आप 2 सिम कार्ड्स के साथ अलग से एक मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप इस मोबाइल को परचेज करने का सोच रहे हो तो Flipkart ने कुछ इंट्रोडक्टरी ऑफर साथ में दिए हैं, जैसे कि 999 रुपीज़ में आपको 1 ईयर के लिए फुल मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान मिल रहा है, जो कि एक तरह से पूरी गारंटी मिलती है कि आपकी डिस्प्ले क्रैक हो जाए या फ़ोन वाटर डैमेज हो जाए तो 10 डेज़ के अंदर आपके इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। और इस फ़ोन के साथ आपको ये 999 वाली ऑफ़र सिर्फ 49 रुपीज़ में दी जा रही है। फाइनली अब अगर बात करें कैमरा की, तो बैक में हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 13 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है। जो सेकेंडरी सेंसर है वो बेसिकली डेप्थ सेंस करने के लिए है। और फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल शूटर मिल जाता है फॉर टेकिंग सेल्फीज, और पोर्ट्रेट मोड फ्रंट और रेयर कैमरा दोनों में ही अवेलेबल है। डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप में HDR स्पोर्ट्स, नाइट मोड जैसे अन्य मोड भी अवेलेबल हैं, और कुछ इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं जिनको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, और ब्यूटी मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये कुछ इमेजेस कैप्चर करी थी मैंने इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में, लेकिन लाइटिंग इनफ थी यहाँ पे, और आप नोटिस कर सकते हो Redmi Note 5 Pro की इमेजेस में डिटेल्स बेटर हैं एंड ओवरऑल काफ़ी शार्प है। ZenFone Max Pro की इमेजेस में थोड़ी नॉइस देखने को मिलती है, इमेजेस हेजी आती हैं जिसकी वजह से शार्प नहीं लगती। तो दोस्तों कैमरा सैंपल्स देखने के बाद ये अभी सही टाइम नहीं है डिसाइड करने का कि किस फ़ोन का कैमरा बेटर है। Asus ZenFone Max Pro में कुछ फ्लॉज है कैमरा में, जो कि मेरे को Asus की टीम ने बताया है कि नेक्स्ट 7-10 डेज के बीच में सॉफ्टवेयर अपडेट देके वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। उसके बाद एक डेडिकेटेड कैमरा कंपैरिजन आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा Redmi Note 5 Pro और Asus ZenFone Max Pro के बीच में। फिलहाल मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप 11,000 रुपीज़ वाला मॉडल परचेज कर सकते हो, बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट के अंदर Qualcomm Snapdragon 636 ऑक्टा कोर प्रोसेसर में मिल रहा है, जो कि मार्केट पे बेस्ट प्रोसेसर है प्राइस को कंसिडर करते हुए। बट 13,000 रुपीज़ वाला मॉडल मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो कैमरा है ZenFone Max Pro का वो कितना अच्छा है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको परचेज करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।